किसान साथियों नमस्कार, बात कर लेते हैं प्याज के भाव के बारे में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तेजी मंदी रिपोर्ट। क्या ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो तेजी मंदी रिपोर्ट है प्याज के भाव की, क्या आने वाले समय में और जबरदस्त उछाल के साथ जबरदस्त तेजी के साथ देखने को मिलेगी? क्योंकि किसान साथियों, इस समय प्याज की जो स्थिति है, प्याज का जो रकबा है, प्याज का जो माहौल है, प्याज की जो उपज है कैसी देखने को मिल रही है, 2024 में प्याज का भाव कैसा रह सकता है, तो हमें अपने अनुमान से इस वीडियो में सही सटीक जानकारी के द्वारा बताऊंगा। किसान साथियों, माहौल अपडेट रिपोर्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हद तक ज्योतिष शास्त्र का जो अनुमान है, तेजी आने की फुल उम्मीद नजर आ रही है। मार्च के बाद तेजी आ सकती है, क्योंकि मार्च तक जो बैन, निर्यात बैन लगा हुआ है, एक्सपोर्ट बैन है अपने भारत सरकार में, क्योंकि भारत सरकार ने लगभग 72 देशों में जो बैन प्रतिबंध लगाया, क्योंकि अभी एक महीने पहले भारत में जो प्याज का भाव का स्तर था काफी ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा था। प्याज के भाव के स्तर को नीचे करने के लिए प्याज निर्यात पर जो बैन था वो लगा दिया था, लेकिन प्याज मार्च में प्याज बैन हट जाएगा। उसके बाद जो प्याज है, ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट काफी अच्छी देखने को मिलेगी, प्याज के भाव का स्तर है काफी ऊपर अप देखने को मिलेगा, तो ऐसे में जो माहौल है कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ नजर आएगा। फिर भी अगर रकबा की बात करें तो ज्यादा है, उपज भी ज्यादा है इस साल, बीमारी भी कम देखने को मिल रही है, प्याज की आवक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 2024 के अनुसार मार्च महीने के बाद तेजी आने की फुल उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि 2024 तक 2023 में जो मार्च महीना चल रहा है 2024 का, अभी तीन महीने से पहले निर्यात ओपन होता है तो तेजी आने की फुल उम्मीद बढ़ती नजर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ऐसे में आपका अनुमान क्या कह रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।